हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेटनरी साइंस हब पर। मैं आपका होस्ट भविष्य शर्मा। आज हम वेटनरी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वेटनरी क्या होता है। वेटनरी पशु चिकित्सा विज्ञान हिंदी में। इसका मतलब यह है कि जिस तरह हम इंसानों के लिए एक डॉक्टर होता है MBBS डिग्री का, वैसे ही जानवरों के लिए VS डिग्री और VLDA डिप्लोमा के डॉक्टर्स होते हैं। यानी कि वे उनकी सर्जरी और उनके जितनी भी बीमारियों से को डायग्नोसिस और उनका इलाज करते हैं। अब हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यानी कि उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। भारत में सबसे पहला पशु चिकित्सा विद्यालय 1827 ईस्वी में पूना में सैनिक पशु चिकित्सा विद्यालय के नाम से बनाया गया। यानी कि जो महाराष्ट्र में हमारा पूना ना, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1827 में पशु चिकित्सा विद्यालय की शुरुआत की। अंग्रेज हमारे यहाँ पर लेकर आए वेटनरी डॉक्टर को। मतलब कि हमारे यहाँ पहले भी होते थे, लेकिन वो एक ऑफिशियल डिग्री जो बनाई गई वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई। इसके बाद 1882 में अजमेर राजस्थान में दूसरा विद्यालय बनाया गया, यानी कि दूसरा इंस्टीट्यूट बनाया गया। अब 1882 तक हमारे पास दो अच्छे खासे इंस्टीट्यूट थे, लेकिन वो दोनों ही अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए। यानी कि सीधी सी बात है, जो अंग्रेज़ों की आर्मी के घोड़े वगैरह थे उनका वहाँ पर इलाज होता था, हमारे लोकल इंडियन के लिए वो यूज में नहीं थी। इसके बाद पशु रोगों का निदान, यानी कि जो पशु जो होते हैं ना, उनको जो बीमारी होती है उनको डायग्नोसिस, उनकी वैक्सीन्स, ये सब बनाने के लिए प्रयोगशाला यानी कि एक्सपेरिमेंट और लैब बनाई गई। सबसे पहली लैब 1889 में पूना में ही बनी। इसको बाद में मुक्तेश्वर में स्थानांतरित यानी कि रिप्ले, इसे अब भारतीय पशु चिकित्सालय कहते हैं। यानी कि ऑफिशियली अब हमारा इंडियन नाम इसमें दिया गया है। इसके बाद भारत में दो अलग अलग जगहों पर स्कूल टाइप खोले गए। मतलब कि वो स्कूल में थे, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद लगातार अलग 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 शहरों में खोल दिए गए, जिससे सबसे पहले बम्बई, कलकत्ता, पटना, मद्रास, हैदराबाद, मथुरा, हिसार, गुवाहाटी, तिरुपति, बीकानेर, बेंगलोर और रांची, यानी कि ऑल ओवर इंडिया वेटनरी की पहुँच हो चुकी है। पहले केवल सिर्फ घोड़ों और मतलब कि जो आर्मी में यूज होने वाले जानवर हैं उन पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन जब ये लोकल आदमी तक पहुंची, जब ये पता चला कि भाई लोकल आदमी को भी इसकी ज़रूरत है, लोकल जो आदमी अपने पशु रखता है उनकी ज़रूरत है, तो बाद में कुत्तों, गाय, बैल, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी और कुत्ते, इन सभी को इंक्लूड करके उन सभी के लिए एक डिग्री और उसका डिप्लोमा बनाया गया, जिसको VS और VLDA कहा जाता है। ये मतलब की बात की बातें हैं, इनको बाद की अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिग्रीज़ के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट हम आज तक जो बीमारियां हुई हैं, मतलब की जो जिन्होंने बहुत सारा ज़्यादा जाने ली पशुओं की, उनके हम कुछ नाम बताते हैं आपको। पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट, सेकंड ग्लाटगोटू, हिमोरेजिक सेप्टोसीमा, नेक्स्ट एंथ्रैक्स इन इंग्लिश, जहराबाद, ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है अपनी देसी भाषा में, ब्रुसेलोसिस इंग्लिश में भी, और इसको सर्रा कहा जाता है इन मतलब कि लोकल, सतन कोप या फिर थनेला, ये मतलब कि मेनली जो थन वगैरह होते हैं ना गाय भैंस के, वहाँ से इसको कहते हैं मैस्टिटिस। उसके बाद नाभि रोग, नेवल डिजीज, उसके बाद है फेजियोलिसिस, इसको भी इंग्लिश में फेजियोलोसिस ही कहा जाता है। इसको मतलब कि मेनली जो पैथोजेन होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी वजह से ये चीज़ होती है। अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी इसकी मतलब कि करंट सिचुएशन और थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री अगर हमसे मिस हो गई है तो हम बाकी की वीडियो में अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो जल्दी आएगी, हम आशा करते हैं कि आपको पसंद